नमस्कार, मैं हूँ सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। भीमराव अंबेडकर की जयंती पे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस पर बयान आया है। जरा सुनिए कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज संकल्प जारी किया कि भारत कैसे श्रेष्ठ होगा, 2047 का भारत कैसे होगा और गरीब कल्याण, गरीबों की चिंता करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, युवाओं की चिंता करने वाले पहले प्रधानमंत्री और अन्नदाता, जो किसान साथी हैं, अन्नदाता हैं, उनकी चिंता भी करने वाले प्रधानमंत्री और नारी को ताकत देने वाले, नारी शक्ति को का पूजा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को श्रेष्ठ बनाने में, इस देश को कैसे आगे बढ़ेगा, ये 2047 का भारत कैसे बनेगा, इसके लिए संकल्प की घोषणा किया, इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देना चाहते हैं। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि युवाओं के बारे में सोचते हैं, नारी को ताकत देने के बारे में सोचते हैं, रोजगार देने के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं। पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो रोजगार के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे और महिलाओं को ताकत देने के बारे में सोचे, बिहार के बारे में सोचे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बारे में सोचते हैं और पूरे भारत को विकसित भारत बनाने के बारे में सोचते हैं। पहले कभी किसी ने भारत को विकसित भारत बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ये करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विकसित भारत बनाने में वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2047 तक बिहार 2047 तक भारत जो है वो विकसित भारत कहलाएगा और उस समय का भारत जो है वो देखने लायक होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।